दोस्तों 2020 में अगर आप एक गेमिंग चैनल शुरू करके गेमिंग चैनल से ऑनलाइन अर्निंग के बारे में सोच रहे हो तो आपका डिसीजन बहुत ही अच्छा है। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है राजदीप मिश्रा और आप देख रहे हो योर टेक्निकल गाइड यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको गेमिंग चैनल रिलेटेड काफी सारे इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। मैं आपको बताऊंगा गेमिंग चैनल से आप कितना अर्निंग कर सकते हो और कैसे आपको अर्निंग करना चाहिए। दोस्तों, शायद आपको ये चीज पता होगा, शायद आपने इस चीज को नोटिस किया है, जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर थे, चाहे वो टेक कैटेगरी में हो या कॉमेडी में हो या व्लॉगिंग चैनल जिनका हो या फूड के ऊपर चैनल हो, वो सभी 2019 में ही या कुछ यूट्यूबर अभी 2020 में अपना गेमिंग चैनल शुरू कर चुके हैं और वो सभी गेमिंग चैनल से अच्छा खासा अर्निंग भी करना शुरू कर दिए हैं। दोस्तों, अगर आप YouTube में गेम प्ले करके सर्च करते हो या किसी भी गेम का नाम लेके सर्च करते हो तो आप देखोगे काफी सारे गेम के वीडियोस आपके सामने चले आएंगे। अगर आप उन वीडियो को ओपन करके देखोगे तो देखोगे सिंपली किसी ने गेम को प्ले किया है और उसी को अपने स्क्रीन रिकॉर्डर से रिकॉर्ड करके YouTube पे अपलोड कर दिया है। यानी आप समझ सकते हो सिर्फ उसने गेम खेला है और उसी वीडियो को, उसी स्क्रीन को रिकॉर्ड करके अपलोड कर दिया है और आप देखोगे उसी वीडियो पे मिलियंस व्यूज आ चुके हैं। और दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि गेमिंग चैनल में भी आपको अच्छा खासा सीपीसी मिल जाता है। मुझे पहले लगता था कि गेमिंग चैनल पे या गेमिंग वीडियोज पे सीपीसी अच्छा नहीं मिलता होगा शायद, बट मैंने भी अपना गेमिंग चैनल शुरू किया था और बहुत जल्द मैं अपने उस चैनल को सबके सामने रिवील भी करने वाला हूँ। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ उस चैनल पे मुझे अच्छा खासा सीपीसी मिल रहा है। अगर मैं योर टेक्निकल गाइड चैनल का बात करूं तो यहाँ पे मुझे $2 के आसपास अभी सीपीसी मिल रहा है, वहीं पे गेमिंग चैनल पे मुझे $1 से थोड़ा ज्यादा सीपीसी मिल रहा है, यानी 1000 व्यूज पे $1 तक की अर्निंग उस चैनल पे हो जाती है, 70 रुपीज तक की अर्निंग हो जाती है 1000 व्यूज पे। तो जिस वीडियो पे 1 मिलियन व्यूज आता है, जिस वीडियो पे 1000000 व्यूज आता है, उस वीडियो से कितना अर्निंग हो रहा है ये आप खुद समझ लो। 2020 में गेमिंग चैनल शुरू करके आप गूगल एडसेंस से तो पैसा कमा सकते ही हो, साथ ही आपको बहुत सारे स्पॉन्सरशिप भी मिल जाएंगे। और इसी कारण से, इसी वजह से बहुत सारे यूट्यूबर अभी अपना गेमिंग चैनल शुरू कर रहे हैं। गेमिंग चैनल रिलेटेड सभी सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से आप देखते रहिए। सबसे पहला सवाल, अगर आपके पास एक कंप्यूटर या फिर लैपटॉप नहीं है, सिर्फ आपके पास एक मोबाइल है, तो क्या आप एक गेमिंग चैनल शुरू करके ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो? तो इसका जवाब है हाँ। जी हाँ दोस्तों, आप कर सकते हो। आप सिर्फ अपने मोबाइल फोन से ही गेम खेल के और अपने स्क्रीन को रिकॉर्ड करके एक गेमिंग चैनल स्टार्ट कर सकते हो। कैसे करना है वो इस कोर्स के चलते आपको पता चल जाएगा। इस कोर्स के चलते मैं एक एक करके आपको सिखाऊंगा कैसे आपको गेमिंग चैनल क्रिएट करना है, कैसे चैनल को सेट करना है, कहाँ से आप गेम को डाउनलोड कर सकते हो, कैसे आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हो, कैसे अपलोड कर सकते हो और कैसे आप अपने गेमिंग चैनल से अर्निंग कर सकते हो। इसके ऊपर मैं एक कंप्लीट कोर्स बनाऊंगा, एक एक करके सभी वीडियोज आपको मिलते रहेंगे इस चैनल पे। इसलिए इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन आएगा उस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को एनेबल कर दीजिए। इससे मेरे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहेंगे। दोस्तों, गेमिंग चैनल शुरू करना बहुत आसान होता है, गेमिंग चैनल पे काम करना बहुत आसान होता है। टेक्निकल चैनल या दूसरे जितने भी कैटेगरीज के चैनल होता है उसमें क्या होता है, आपको सोचना पड़ता है कि आप कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाओगे, आप क्या वीडियो में बोलोगे, कैमरा कैसा रहेगा आपका, ये सभी कुछ सोचना पड़ता है। बट गेमिंग चैनल में ऐसा कुछ नहीं होता है, बस आप गेम खेलते रहो, आप अपने गेम को रिकॉर्ड करते रहो और बस आप चाहो तो उसी को अपलोड कर सकते हो। अगर आप उस पर कुछ कॉमेडी करना चाहते हो, अगर आप उस पर वॉइस ओवर देना चाहते हो, अपना वॉइस देना चाहते हो तो आप दे सकते हो, अगर नहीं देना चाहते हो तो नहीं दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आप गेम खेलो, उसको रिकॉर्ड करो, उसको अपलोड करो। बट हाँ, आपको अपलोड करना सही तरीके से आना चाहिए, आपको अपने गेम को रैंक करवाना होगा, कुछ फैक्टर्स है जिनको आपको जानना जरूरी है और इसके लिए इस कोर्स को आपको देखना बहुत जरूरी है। अपने पहले क्वेश्चन के आंसर में मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास एक कंप्यूटर या फिर लैपटॉप नहीं है तो भी आप अपने सिर्फ मोबाइल फोन में गेम खेल के एक गेमिंग चैनल शुरू कर सकते हो और उससे अर्निंग भी कर सकते हो। अपने सेकंड क्वेश्चन में हम जानेंगे अगर आपके पास एक लैपटॉप या फिर कंप्यूटर है बट लैपटॉप या कंप्यूटर का स्पेसिफिकेशन बहुत अच्छा नहीं है, उसमें बहुत अच्छा रैम नहीं है, बहुत अच्छा प्रोसेसिंग स्पीड नहीं है, उसमें ग्राफिक्स कार्ड नहीं है, तो क्या आप उस लैपटॉप या फिर कंप्यूटर से एक गेमिंग चैनल शुरू कर सकते हो, उस पर गेम खेल सकते हो? क्या ऐसे गेम्स है? तो उसका आंसर है हाँ दोस्तों, ऐसे गेम्स है और बहुत पॉपुलर गेम्स ऐसे हैं जो कि आपको इस कोर्स के चलते पता चल जाएगा। मैं आपको बता देना चाहता हूँ GTA 5 एक बहुत ही पॉपुलर गेम है, उसका भी एक ऐसा वर्सन है जो आप
बिना ग्राफिक्स कार्ड के कंप्यूटर में भी प्ले कर सकते हो। कुछ महीने पहले मैंने अपने एक महीने के फ्रीलांसिंग के अर्निंग से एक गेमिंग लैपटॉप खरीदा था और उसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया था। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो एक बार जरूर देख लेना। और इस वीडियो में मैंने अपना पुराना वाला जो मेरा पहला कंप्यूटर था, बहुत ही ओल्ड कंप्यूटर था, उसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो उस कंप्यूटर में भी मैं गेम खेलता था, तो ऐसे गेम है। इस वीडियो को आप देख लेना, आपको पता चल जाएगा मेरे पहले कंप्यूटर का स्पेसिफिकेशन क्या क्या था। आते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन पे। गेमिंग चैनल शुरू करने के लिए क्या हमें गेम को परचेज करना पड़ता है? क्या हमें कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है? क्या हमें कोई लाइसेंस वगैरह परचेज करना पड़ता है? तो इसका आंसर है नहीं दोस्तों, आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट बिगिनिंग स्टेज पे नहीं करना है। मैं कभी भी इस चीज को सपोर्ट नहीं करता कि पहले आप कुछ इन्वेस्ट करो फिर आप पैसे कमाओ। नहीं दोस्तों, विदाउट इन्वेस्टमेंट भी ऑनलाइन अर्निंग किया जा सकता है। और मैं अपने सारे वीडियोस पे उसी मेथड्स को बताता हूँ जिसमें कि आपको खुद से कोई पैसा नहीं देना पड़े और आप ऑनलाइन अर्निंग कर सको। तो गेमिंग चैनल अगर आप शुरू करना चाहते हो तो आपको इन्वेस्टमेंट करने का कोई जरूरत नहीं है। अगर आप करना चाहते हो कर सकते हो, ऐसे बहुत सारे गेम है जिसको आप परचेस कर सकते हो, बट उन सभी गेम्स को आप बिल्कुल फ्री में भी डाउनलोड कर सकते हो। कहां से डाउनलोड करना है, कैसे डाउनलोड करना है, उसके ऊपर भी आपको ट्यूटोरियल्स इस चैनल में मिलते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेमिंग चैनल बनाने के लिए या गेमिंग वीडियोस को एडिट करने के लिए क्या हमें बहुत अच्छे से वीडियो एडिटिंग आना जरूरी है? क्या हमारे पास एक लैपटॉप या फिर कंप्यूटर होना जरूरी है गेमिंग वीडियोस को एडिट करने के लिए? जी नहीं दोस्तों, गेमिंग वीडियोस एडिट करना बहुत ही आसान होता है। अगर मैं बात करूँ, ये जो टेक्निकल वीडियो मैं आज बना रहा हूँ इसको एडिट करने में मुझे जितना टाइम लगा है उसका 10% भी आपको नहीं लगेगा एक गेमिंग वीडियो को एडिट करने में, अगर आप उस पर वॉइस नहीं दे रहे हो तो। सिंपली अगर आप गेम प्ले करोगे, उसको आप रिकॉर्ड करोगे किसी भी एक स्क्रीन रिकॉर्डर से और उसी वीडियो को अगर आप अपलोड करोगे तो उसमें क्या एडिटिंग लगेगा? अगर कुछ गलती वगैरह होता है, कहीं पे आप गाड़ी वगैरह चला रहे हो, रेसिंग कर रहे हो और कहीं पे गाड़ी वगैरह ठोक देते हो, आप नहीं दिखाना चाहते हो कि आप खराब तरीके से गेम को प्ले कर रहे हो, तो उस पोर्शन को आप कट कर सकते हो, सिर्फ ट्रिम करना होगा। और ट्रिम आप किसी भी एक मोबाइल के वीडियो एडिटिंग ऐप से भी कर सकते हो। इस पर कोई भी मतलब बहुत अच्छा वीडियो एडिटिंग आपको जानना जरूरी है ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। अगर आपको वीडियो एडिटिंग बिल्कुल भी नहीं आता है फिर भी आप गेमिंग चैनल शुरू कर सकते हो। मैंने एक काइन मास्टर करके एप्लीकेशन है उसके ऊपर एक फुल ट्यूटोरियल बनाया था, ये वाला ट्यूटोरियल है, इसको आप देख लेना। गेमिंग चैनल के लिए जितना भी एडिटिंग लगेगा उससे कई ज्यादा अच्छे से आप वीडियो एडिटिंग सीख जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेमिंग चैनल को ग्रो करवाने के लिए या गेमिंग वीडियोस पे ज्यादा व्यूज पाने के लिए क्या हमें हर टाइम अच्छे अच्छे गेम्स जैसे कि पबजी वगैरह हो गए ऐसे गेम्स ही खेलने पड़ेंगे? हमारे पास एक ऐसा मोबाइल है क्या, ऐसा लैपटॉप कंप्यूटर है जिसपे ज्यादा अच्छा गेम सपोर्ट नहीं करेगा? मान लीजिए आपके पास एक ऐसा मोबाइल है जिसपे आप पबजी नहीं खेल सकते, तो क्या आप गेमिंग चैनल शुरू नहीं कर सकते? जी नहीं दोस्तों, अगर आप YouTube पे गेम प्ले करके सर्च करोगे या गेमिंग वीडियोस करके सर्च करोगे तो आपको ऐसे ऐसे गेम्स देखने को मिल जाएंगे, ऐसे ऐसे आसान गेम्स देखने को मिल जाएंगे, रेसिंग गेम्स मिल जाएंगे, एक्शन गेम्स मिल जाएंगे, जो कि एक 2GB रैम वाला अगर आपके पास मोबाइल है तो उस पे भी आप इजीली प्ले कर सकते हो। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको उन्हीं सारे क्वेश्चंस के आंसर दे रहा हूँ जो क्वेश्चंस कभी मेरे मन में थे। आज से मैंने 3-3.5 महीने या 4 महीने पहले गेमिंग चैनल अपना शुरू किया था और जब मैंने शुरू किया था तो मेरे मन में जितने भी क्वेश्चंस थे उन्हीं क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है जो कि मैं इस वीडियो पे नहीं बता रहा हूँ तो उस क्वेश्चन को आप वीडियो के नीचे कॉमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, मैं उसका भी आंसर आपको करूंगा। अभी कुछ चीज़ों के बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ। अगर आपको बिल्कुल भी गेम खेलना नहीं आता है, बहुत ही खराब तरीके से आप गेम खेलते हो, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? दोस्तों बहुत पहले मैं गेम खेलता था, बीच में मतलब बहुत सालों तक मैंने गेम छोड़ दिया था। तो जब मैंने गेमिंग चैनल के लिए गेम खेलना शुरू किया तो मैंने देखा बहुत ही बुरी तरीके से मैं गेम को प्ले कर रहा हूँ। अगर किसी रेसिंग गेम को मैं खेलता तो गाड़ी मतलब कुछ दूर जाता और इधर उधर धक्का मार देता, तो बहुत ही खराब तरीके से मैं उस गेम को प्ले करता था और मैं उसी वीडियो को रिकॉर्ड करके उसी को अपलोड कर देता था। उस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो पे बहुत ज्यादा डिसलाइक आते थे, कमेंट में लोग हंसते थे, कमेंट में लोग बोलते थे कि गेम खेलना नहीं आता है, क्यों चैनल शुरू किया है। ज्यादा सब्सक्राइबर मुझे गेन नहीं होते थे, बट मैंने देखा कि उस वीडियो पे भी ज्यादा व्यूज आ रहे हैं, लोग उस वीडियो को देख के एंजॉय कर रहे हैं। तो कोई अगर आपके ऊपर हंस रहा है, कोई अगर आपको देख के एंजॉय कर रहा है, तो उसमें कोई
बुरी चीज नहीं है, और यहाँ पे आप सीख रहे हो, सीखने के साथ साथ आप उस चीज को अपलोड भी कर रहे हो जिससे कि आपका चैनल भी ग्रो कर रहा है। अगर आप सिर्फ गेम सीखने के लिए 1.5 महीना बर्बाद कर दे कोई गेम सीखने के लिए, तो ये चीज सही नहीं होगा। जैसा भी आप खेलो, अभी शुरू में कोई भी अच्छा नहीं खेलता अगर आप ऑलरेडी गेम नहीं खेलते हो तो जैसा भी आप खेलो उसी को रिकॉर्ड करके आप अपलोड करो, उससे भी कुछ व्यूज आएंगे, कुछ वॉच टाइम आपका पूरा होगा, और ऐसे करते करते आप देखोगे 1 से 1.5 महीने के अंदर ही आपका चैनल का जो 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम का जो लिमिट है वो पूरा हो जाएगा। क्योंकि गेमिंग वीडियोस जब भी आप बनाओ तो ट्राई करो उसको 10 मिनट के ऊपर ही बनाने का। आज का वीडियो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन वीडियो था जहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस के आंसर दिए, जो क्वेश्चन सभी के मन में कभी ना कभी आते हैं। लोग सोचते हैं कि गेमिंग चैनल पे ज्यादा अच्छा अर्निंग नहीं होता है, ज्यादा सीपीसी नहीं मिलता है, इसीलिए लोग गेमिंग चैनल को स्टार्ट नहीं करते हैं। तो इसीलिए मैंने आपको बता दिया गेमिंग चैनल से भी अच्छा खासा सीपीसी मिलता है, $1 से ज्यादा, थोड़ा ज्यादा सीपीसी मिल जाता है तो आप गेमिंग चैनल स्टार्ट कर सकते हो बहुत अच्छे से। अगर आपको गेम खेलना नहीं आता है फिर भी आप चैनल को स्टार्ट कर सकते हो, और अगर आप 1 महीने भी खेलोगे ना तो बहुत अच्छे से आप गेम खेलना शुरू कर दोगे। इस कोर्स के नेक्स्ट वीडियो में आपको पता चलेगा प्रॉपर वे में गेमिंग चैनल को कैसे क्रिएट करना है, कैसे सेटअप करना है, कैसे गेमिंग चैनल का लोगो आप बना सकते हो, कहाँ से गेमिंग चैनल का बैनर आप डिजाइन कर सकते हो, कैसे गेमिंग चैनल में कीवर्ड सेट करने, कौन कौन से कीवर्ड आपको डालना है, ये सब कुछ आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलने वाला है जो कि कल आपको इस चैनल पे मिलेगा। इसलिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखा है अभी के अभी आप सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन को एनेबल कर दो, इससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर अभी तक वीडियो को देखने के बाद आप श्योर नहीं हो कि आप एक गेमिंग चैनल शुरू कर सकते हो या नहीं, आप ठीक तरीके से गेम खेल सकते हो या नहीं, तो आपके लिए मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन पे कुछ गेमिंग चैनल्स के लिंक डाल दूंगा, कुछ हिंदी गेमिंग चैनल्स के लिंक डाल दूंगा जो कि इंडिया के यूट्यूबर ने बनाया है, पाकिस्तान के यूट्यूबर ने बनाया है, बांग्लादेश के यूट्यूबर ने बनाया है, नेपाल के यूट्यूबर ने बनाया है, उनका चैनल का मैं लिंक डाल दूंगा। आप उनके चैनल को विजिट करो, आप उनके वीडियोज को देखो, आप समझ जाओगे कितने आसानी से आप इस काम को कर सकते हो और कितना ज्यादा आप यहाँ से अर्निंग कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे फॉर यू, थैंक यू।